real life story of Limbo. Baby, the song make you dance. Staying up till we see the daylight. Hey TMC Army, this is Ashuda, host of TMC Hunter Channel, and आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइज लिम्बो की रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर। सो भाई वीडियो पूरी देखना, काफी इंटरेस्टिंग है वीडियो होने वाली है। एंड वीडियो के आखिर में यानी वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के जो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं उसका शाउट आउट दे रखा है। तो भाई चैनल को सबसे पहले न्यू हो तो सब्सक्राइब ठोको यार, क्या कर रहे हो अब तक यार, चैनल को सब्सक्राइब ठोको। और भाई लेकिन आप लोग यार वीडियो पे वीडियो को जो है शेयर नहीं करते हो यार, जगह जगह दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे फेसबुक आईडी है, व्हाट्सएप आईडी है, इंस्टाग्राम, सबको शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। यार वीडियो को पूरी देखा करो, सबसे पहले तो यार वीडियो को पूरी देखा करो। और भाई अगर आपको अपने कमेंट्स का यानी आपको अपनी वीडियोज़ का मतलब आपको अपने मैसेज का शॉर्ट आउट लेना है, अगर वीडियो में मेरे शॉर्ट आउट के लिए आना चाहते हो तो भाई मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी टीएमसी हंटर के नाम से। एंड दोस्तों कमेंट में शॉर्ट आउट के लिए बोलोगे वहाँ पे कमेंट में शॉर्ट आउट नहीं मिलेगा, जब आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज करोगे जब भी आप लोगों को शॉर्ट आउट मिलेगा। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी टीएमसी हंटर ऑफिशियल, जाओ एंड फॉलो करो एंड शॉर्ट आउट के लिए बोलो एंड वीडियो का वेट करो, आप लोगों के वीडियोज का शॉर्ट आउट मैं लेकर के आ जाऊंगा। सो गाइस यहाँ से हमारी लिम्बो की स्टोरी शुरू होती है। सो भाई स्टोरी दोस्तों कुछ इस तरीके की है कि एक फैमिली रहती थी एक दोस्तों शहर में, जहाँ पर दोस्तों उसका एक लड़का था। लड़का दोस्तों मतलब थोड़ा हाफ मेंटल सा था, जिसकी वजह से दोस्तों डॉक्टरों ने हाथ जोड़ दिए थे यानी अपने हाथ पैर पकड़ लिए थे उन लोगों के कि भाई हम इसका इलाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों एंड हम क्या पूरी दुनिया में कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों मेंटलिस्ट के साथ उसको कोई और भी बीमारी थी जिसकी वजह से दोस्तों अलग अलग तरीके के सपने देखा करता था। जी हाँ दोस्तों वो ऐसे ऐसे सपने देखा करता था कि दोस्तों वो सपने तो देखा करता था लेकिन जो वो सपने में किया करता था वो दोस्तों उसके साथ रियलिटी में भी होता था। यानी दोस्तों सपने में जैसे आपने सुना होगा कि लोगों को मतलब सपने में चलने की आदत होती है, मतलब सोते चलने की आदत होती है, अलग अलग तरीके की बोलने की आदत होती है। सो गाइस वैसी दोस्तों वो करता, तो भाई जैसी वो दोस्तों अपने सपने में चल रहा होता वैसी जो है अपने घर में ही इधर उधर वो चलता। एंड ये सब देख के उसकी जो फैमिली वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड दोस्तों लिम्बो उसका लड़के का नाम लिम्बो था क्योंकि अंग्रेज, क्योंकि विदेशी लड़का था वो, इसीलिए ऐसे दोस्तों ऐसे नाम होते हैं विदेशों में। तो दोस्तों एक दिन क्या सीन होता है कि लिम्बो जो है हमारा सो रहा होता है और सोते सोते जो है दोस्तों वो सपना देखता है कि वो जो है एक अलग सी जगह पे आ चुका है। जी हाँ अलग सी जगह पे आ चुका है एंड वो सपने में इमेजिनेशन करता था। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि लिम्बो जो पूरी गेम जो बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन यानी उसके सपने के ऊपर ही बनाई गई है। तो पूरी गेम ये जो रेडी की है ये सिर्फ और सिर्फ सपना है। जी हाँ ये लिम्बो का टोटली लिम्बो का ये सपना है। सो गाइस यहाँ से हम लोग अपनी रियल स्टोरी को शुरू करते हैं कि भाई वो सपना देख रहा होता है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और दोस्तों उसकी आंखें बंद है, वो पेड़ के नीचे एक सो रहा है एंड पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। एंड वो अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोलता है एंड सपने में उसकी आंखें खूब खुलती है और वो उठ के बैठ जाता है एंड वो खड़ा होता है और वो देखता है ये मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ। और वो दोस्तों वो देखता है कि ये मुझे क्या हो गया एंड आंखों को थोड़ा मिचलता है एंड आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और दोस्तों वो देखता है कि मेरी एक साथी है जिसको दोस्तों गेम में उसकी गर्लफ्रेंड बताया गया है, मेरी एक साथी है जो कि पानी के उस तरफ है और मेरा उससे कुछ रिलेशन है। जी हाँ उसको सपने में ऐसा लगता है कि मेरा उससे कुछ रिलेशन है और दोस्तों पानी के उस पार वो लड़की होती है एंड नाव दोस्तों बीच में खड़ी होती है। ये वो सपने में कुछ इस तरीके का देखता है एंड वो देखता है कि उस लड़की के पीछे एक मकड़ी आई है जो कि उसके कपड़ों के अंदर अपनी वो डाल के ले गई है उसको उठा के। लिम्बो उसका पीछा करता है एंड उसे नाव पे छलांग मारता है और नाव को चलाना स्टार्ट कर देता है एंड नाव दोस्तों धीरे धीरे करके चलती है एंड वो उस किनारे पे पहुंच जाता है। उस किनारे पे दोस्तों पहुंचते ही वो नाव से उतरता है और जो है अपने कदम को आगे बढ़ाता है। कदम को आगे बढ़ाते 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 दोस्तों वो कुछ ऐसी जगह पे आ जाता है कि एक जो है पुल आता है दोस्तों, जो कि बिल्कुल ही हल्का सा पुल होता है जो कि उसके चलने से टूट सकता है। वो वहीं के वहीं रुक जाता है और वो देखता है कि पुल जो है ये टूट जाएगा अगर मैं चला तो, लेकिन उसको उस लड़की को भी बचाना था जो कि उस मकड़ी उसको उठा के लेके जा रही थी। तो उस पुल पे चलना स्टार्ट करता है एंड वो देखता है कि पुल नहीं टूट रहा, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके चलता है
अपना बैलेंस बना के उस पुल के ऊपर चलता है। एंड दोस्तों वही चीज़ वो रियल लाइफ में भी कर रहा होता है दोस्तों, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें वो कर रहा होता है। एंड वो देखता है कि पुल टूट गया एंड मैं गिर गया। सो लेकिन उसने पकड़ लिया और वो खड़ा हो जाता है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो आगे बढ़ता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें सपने में देख रहा है, इसलिए दोस्तों ब्लैक एंड वाइट आप लोगों को ये वाली गेम देखने को मिलती है, क्योंकि सपना हमेशा ब्लैक एंड वाइट ही होता है। अगर हम डिजिटल दुनिया में आए तो सपने को ब्लैक एंड वाइट में ही डाला जाता है। सो वो आगे बढ़ता है और वो देखता है कि लड़की मेरे बिल्कुल पास में ही है और मेरे आगे एक जाल रखा हुआ है। अगर लिम्बो उस जाल को नहीं देखे और वो लड़की के पास पहुँचे तो वो अटक सकता है। लेकिन दोस्तों वो कूदने की कोशिश करता है और वो कूद जाता है उस जाल पे से, जी हाँ जाल हो जाता है बंद और वो उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन दोस्तों उस लड़की को जैसे वो कदम रखता है कि वो देखता है कि मेरी ये भी इमेजिनेशन थी, सपने में भी मेरी इमेजिनेशन थी, और वो मकड़ी उसके पीछे से आती है और सीधा उसके सिर पे वार कर देती है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो है स्टोरी ख़त्म होती है और उसकी एकदम आँख खुल जाती है और वो देखता है। एंड दोस्तों उसकी जो मेंटल स्पन है वो ठीक हो जाता है बिल्कुल एकदम, उसकी जो मेंटल स्पन होता है वो दोस्तों बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और वो देखता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया एंड उसकी जो इमेजिनेशन वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी शट आउट की तरफ। चांदनी ग्रोवर लोरिया कह रही हैं थैंक्स गिव मी शाउट आउट, शाउट आउट टू यू चांदनी ग्रोवर लारुया भाई, मैं सॉरी मैं नाम बोल नहीं पा रहा है, पता नहीं वो चला गया। राज गोसल 92 कह रहे हैं हाय भाई अगली वीडियो में मुझे शॉर्ट आउट मी प्लीज ब्रो, शॉर्ट आउट टू यू राज गोसाई ओके राज गोसाई शॉर्ट आउट टू यू मेरी तरफ से आपको। अगला आता है हमारा उदित भगत का, हाय ब्रो शॉर्ट आउट टू मी, माय नेम इज उदित एंड योर वीडियो इज सुपर, प्लीज प्लीज रियल लाइफ स्टोरी ऑफ पावर रेंजर प्लीज ब्रो शॉर्ट आउट माय नेम उदित भगत, शॉर्ट आउट टू यू एंड पावर रेंजर की स्टोरी पर भी देखते हैं भाई। और अगला मैसेज आता है हमारा उज्ज्वल दा प्रो राजपूत का, कह रहे हैं हेलो सर आई लव योर स्टोरी वेरी मच, थैंक यू ब्रो एंड शॉट आउट टू यू उज्ज्वल दा प्रो मेरी तरफ से आपको। एंड अगला आता है हमारा तेंजिन चंदन का, हाय टीएमसी हंटर प्लीज प्ले माइनक्राफ्ट विद ऑन संडे, माय नेम इज एन गवांग चोकदेन, तेंजिन चोकदेन भाई ऊपर नाम लिखो, शॉट आउट टू यू इविल नन भाई, कैसे कैसे दिन आगे मेरे पास इविल नन भी मैसेज कर रही हूँ, ओके दैट्स अ जोक। हाय कैन आई गेट अ शॉर्ट आउट इविल नन 5229 शॉर्ट आउट टू यू भाई मेरी तरफ से आपको। अरबाज खान कह रहे हैं भाई मुझे भी शॉर्ट आउट दो, अरबाज खान भाई शॉर्ट आउट टू यू, अरबाज खान 0638 @ नहीं लगाया भाई gmail.com/4 शॉर्ट आउट टू यू भाई मेरी तरफ से आपको। अगला मैसेज आता है हमारा सुपर विड्स का, कह रहे हैं भाई प्लीज 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 गिव मी शॉर्ट आउट, माई चैनल नेम इज सुपर विड्स एंड माई नेम इज आशुतोष राय, प्लीज 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 भाई शॉर्ट आउट टू यू आशुतोष राय भाई, प्लीज प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है। सो भाई आप लोग मुझे मैसेज करो एंड कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी, इंस्टाग्राम पे जाओ एंड शॉर्ट आउट के लिए बोलो जिसको शॉर्ट आउट चाहिए। सो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में स्टोरी, उम्मीद अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में बताना वीडियो एंड स्टोरी कैसी लगी। बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक लिए विदा लेना चाहूंगा, जय हिंद वंदे मातरम गाइस एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट।